जिस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर किसान आंदोलन की पत्रकारिता करते कवरेज करते पत्रकारों को पुलिस और एनआईए ने नोटिस देकर जेल में डाल दिया, उस प्रकार पूछता है भारत कहने वाले पत्रकार जितने राष्ट्रीय और गोपनीयता के साथ खिलवाड़ की है, राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाई है, उसके साथ न्याय और अन्याय का परिभेद कब होगा, सरकार उसके साथ न्याय संगत कब होगी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कब होगी, ये भी पूछता है भारत। नमस्कार, मैं अमर शर्मा और आप देख रहे हैं द भारत पोस्ट। आज की खास पेशकश आधारित है 16 जनवरी को लीक हुए व्हाट्सएप चैट, जो कि रिपब्लिक भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थव दास गुप्ता के बीच हुई थी। इस लीक हुए व्हाट्सएप चैट के खिलाफ ना ही सरकार कोई सख्त कार्रवाई करती नजर आ रही है, ना ही एनआईए कोई चुप्पी तोड़ रही है। बता दें, इतने संवेदनशील मामले जो कि सीधे सीधे राष्ट्र की सुरक्षा और गोपनीयता से ताल्लुकात रखते हों, इस तरह के मामले में आखिर सरकार अपने मुंह पर पट्टी क्यों बांधी हुई है। वहीं एनआईए की भी कार्रवाई पर सवाल उठते हैं कि एनआईए जहां किसान के प्रदर्शन पे पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों को नोटिस जारी कर रहा है, वहां इतने बड़े संवेदनशील मामलों पर आखिर चुप क्यों है। जहां एक और इस संवेदनशील मामले में सरकार, रक्षा मंत्रालय और एनआईए अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं विपक्ष ने एक सीधी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि शायद सरकार की मिलीजुली पत्रकारिता और सरकार के ये कदम पत्रकारिता और सुरक्षा के मामलों में जो साठगांठ देश के प्रति बांधे हुए हैं, वो आने वाले समय में भारत की रक्षा और गोपनीयता में एक बड़ा संकट के बादल लेता आ रहा है। बीते दिन हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने सरकार के सामने कुछ सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि बालाकोट स्ट्राइक के पहले दे दिया जाता है, उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा कार्रवाई के बाद कि ये हमारे लिए अच्छा हुआ, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के चुनाव परिणामों पर पत्रकार ने खुशी जाहिर करते हुए यह पूर्वानुमान लगा लिया था। जो इन्फॉर्मेशन पत्रकार को दी गई थी वो सिर्फ राष्ट्र के 4 से 5 बड़े लोगों तक ही सीमित थी। ऐसे मिशन में पायलट जो कि स्ट्राइक करने वाले होते हैं, उन्हें भी जानकारी अंत समय पर दी जाती है। इस मामले में एनएसए, पीएम, होम मिनिस्ट्री, सुरक्षा सलाहकार और एयरफोर्स के चीफ, ये 5ों की शामिल होने की शंका थी। राहुल गांधी का यह मानना है कि इन 5 व्यक्तियों के अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे इस गोपनीयता के बारे में जानकारी हो। साथ ही उनका आरोप है कि जिस व्यक्ति ने इस मामले को लीक किया है और पत्रकार जिसे जानकारी दी गई है, उन दोनों को ही अब जेल में होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इन 5 बड़े व्यक्तियों के अलावा किसी और के पास इतनी बड़ी खुफिया जानकारी नहीं थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा से जुड़े इन्हीं 5 व्यक्ति में से किन्हीं ने इस मामले को और इस गोपनीयता को लीक किया है। यदि सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से देखा जाए तो यह मामला कितना संवेदनशील हो सकता है, इस बात की पुष्टि की जा सकती है एक अनुमान से। अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि यह चैट यदि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस या हैकर किसी तरीके से हैक कर लेते तो क्या आने वाले समय में या स्ट्राइक के दौरान हमारे पायलटों पे मौत का संकट नहीं गहराता। अब सवाल यह भी उठता है कि इस दौरान कोई अप्रिय घटना यदि हमारे वायुसेना के पायलटों या सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ होती तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी खुद लेती। पहले ही रक्षा मंत्रालय और एनआईए से जुड़े सभी दिग्गजों ने जहां इस प्रकार के संवेदनशील मामले में अपनी चुप्पी साधी हुई है, अब राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद भी यदि ये सरकार के लोग चुप हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है। जो लोग धान, गोबर और राम मंदिर जैसे मुद्दे पर सड़क पर उठकर जोर से थालियां बजाते हैं और जोर से नारे लगाते हैं, वो अपने ऊपर लगे इतने बड़े सवाल पर चुप हैं तो कहीं ना कहीं आशंका ये भी उठती है कि सभी आरोप सही साबित हो सकते हैं। अब एक बात स्पष्ट है, यदि मुंबई पुलिस इस टीआरपी के खेल से जुड़े कारनामों की अगर जांच नहीं करती तो शायद इतने संवेदनशील मामले की खबर किसी को भी ना लगती। यह व्हाट्सएप चैट जो आज सभी तरह से मीडिया, पत्रकार और ब्लॉग्स पर आज तैरते नजर आ रहे हैं, शायद इनका खुलासा कभी भी हम आम लोगों के सामने नहीं हो पाता। रक्षा मंत्रालय और सरकार की छोड़ें तो एनआईए का भी यह फर्ज बनता था कि कम से कम वह मुंबई पुलिस से इस बात का स्पष्टीकरण और इसकी गोपनीयता पर सवाल खड़ी कर सकती थी। उसे जानकारी लेनी थी कि मुंबई पुलिस के इस दावे में कितनी सच्चाई है, मगर एनआईए ने भी इस बात पे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब कहीं ना कहीं सरकार और एनआईए की कार्यशैली पर यह सवाल उठना लाजमी है कि जो सवाल राहुल गांधी ने सरकार के विरोध में लगाए हैं, उन पे आरोप किए हैं, वो सवाल या तो सत्य है या तो सरकार को इस प्रकार के सुरक्षा मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिलहाल जो लोग कृषि कानून
और कृषि कानूनों का संदर्भ देकर पत्रकारों पर एनआईए जैसे और रासुका जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें पत्रकारिता का एक और ये सिरा दिखता नजर नहीं आ रहा है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम एक छोटा सा चैट का हिस्सा दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से सवाल ये उठता है कि अर्णब गोस्वामी को इतनी गोपनीय जानकारी आखिर 3 दिन पहले कैसे हो गई। बालाकोट स्ट्राइक को लेकर अर्णब गोस्वामी के पास जो जानकारियां थी, उसकी गोपनीयता और राष्ट्र की सुरक्षा पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह उठता है कि सरकार इसे गंभीरता से अब भी क्यों नहीं लेना चाहती। कि जिस प्रकार से वह देश की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, रोजाना डीएनए जैसे प्रोग्राम लेकर आते हैं और पूछता है भारत के नारे लगाते हैं, उस समय सवाल यह भी उठता है कि क्या वो भी इस संरक्षक का हिस्सा है जिस प्रकार के संरक्षक का हिस्सा अर्णब गोस्वामी है। यदि नहीं तो उन्हें भी आज सरकार के खिलाफ और इस प्रकार के पेचीदा मामलों में हस्तक्षेप करने चाहिए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने चाहिए और इस प्रकार के गोपनीय मामलों में अपनी राय जरूर देनी चाहिए। इस प्रकार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द भारत पोस्ट। तब तक के लिए नमस्कार।